1 जुलाई 2024 से पुराने आपराधिक कानूनों की जगह पूरे देश में अब 3 नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने की दंड आधारित न्याय प्रणाली के लिए पुराने आपराधिक कानूनों की जगह अब 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। ये 3 नए कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने नए आपराधिक कानूनों को लेकर बताया कि ये 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि अंग्रेजों के समय का 150 साल पुरानी दंड आधारित न्याय प्रणाली को अब भारत सरकार ने न्याय आधारित बनाया है। पुराने कानूनों के स्थान पर लाए जा रहे नए कानून हमारे संविधान की 3 मूल भावनाओं, व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवाधिकार और सभी के साथ समान व्यवहार के सिद्धांत के आधार पर बनाए गए हैं। पहले वाली अगर आईपीसी को अगर देखा जाए तो उसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिस्ट एटसेट्रा आदि अनेक ऐसे अपराध थे जिनके बारे में कहीं पे भी एक शब्द नहीं था। अब वो सब क्राइम की श्रेणी में आ गए हैं। और जहां तक बात है पहले वाली सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन कब कंप्लीट होगा, उसकी क्या स्टेज होगी, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का अगर ऑर्डर हुआ है तो वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, कोई टाइम लिमिट नहीं थी। अब इस संहिता के अंदर जो नई आई है उसके अंदर हर स्टेप की एक तो टाइम लिमिट कर दी गई है कि इतने दिन में अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन अगर है कोर्ट से परमिशन के बाद तो 90 दिन में पूरा हो जाएगा, मतलब इनडेफिनिट पीरियड में जो रख लेते थे वो अब हाथ से खत्म। ऐसा था कि पहले आईपीसी हमारी जो इंडियन पेनल कोड और सीआरपीसी थी ये स्वतंत्रता के पहले ब्रिटिश रिजीम्स के द्वारा बने हुए थे। वो अपनी आवश्यकता के हिसाब से बहुत सारे सेक्शंस थे जिस पर पुलिस सेक्शंस लगा करके लोगों को पुलिस परेशान किया करती थी, इसलिए बहुत सारे सेक्शनों को समाप्त कर दिया गया। और आवश्यक और सीआरपीसी में भी अमेंडमेंट किया जिससे डिस्पोजल या केस अर्ली डिसाइड हो, इसलिए बहुत ही सराहनीय कदम है। और भारत सरकार के द्वारा अब हम इंडियन पेनल कोड पढ़ेंगे जो भारत स्वतंत्र भारत द्वारा पार्लियामेंट से पास किया गया माना जाएगा, और हमारी जो औपनिवेशिक थी कॉलोनाइज हमारा जो सिस्टम था वो समाप्त हुआ और भारत ने अपना आईपीसी अब लागू किया है। इसलिए हम भारत सरकार को बधाई भी देते हैं और ये एक अच्छा कदम था और ये सभी नागरिकों के लिए बड़ा फायदेमंद होगा कि पुलिस जो अनावश्यक परेशान करती थी उससे परेशान नहीं करेगी।